जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि अगस्त 2021 कैसा रहेगा आप लोगों की लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं ये जो महीना है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके कैंसर पीपल, मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ बर्डन यू आर कैरिंग। हो सकता है पास्ट बिट्रेयल हो कोई, या कुछ हो जो आपको बॉदर कर रहा है, राइट? ओके मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए दैट यू आर रिजिस्टिंग, राइट? और स्टिल अनडिसाइडेड, स्टिल लाइक लॉस्ट समवेयर, कुछ समझ नहीं आ रही, राइट? कोई यहाँ पे वेट कर रहा है, मे बी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कोई डिवोर्स के थ्रू निकल रहा हो, कुछ लोग न्याय का वेट कर रहे हैं, फैसले का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यू आर साइलेंट, एब्सोल्युटली साइलेंट, मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल यू पीपल वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। और मे बी हो सकता है यू हैव फीलिंग्स फॉर समबडी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड है, और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ नो मूवमेंट इन दिस रिलेशनशिप, राइट? और साइलेंट है, शेडी बिहेवियर, आप शेडी बिहेवियर आपका है। मे बी हो सकता है एट टाइम्स यू फील गुड, एट टाइम्स यू फील बैड, और कभी कभी ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं और कभी कभी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। बेसिकली इट्स अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन है, ये जो पर्सन है लाइक मुझे ऐसा लगता है मे बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि इस पर्सन के यू नो लाइक आप लोगों का थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप हो सकता है सफ़र कर रहा हो या पास्ट में किया हो, बट दे नो द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप है, इस ये जो पर्सन है इनको इसकी वैल्यू पता है, इनको पता है। हो सकता है आपका सोल कनेक्शन हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कुछ हो ऐसा, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट कि मे बी हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, राइट? सो येस दे आर ऑल्सो रिजिस्टिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन जो है ये भी रिजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है उनके ऊपर भी बर्डन्स हो सकता है आपके ऊपर भी कुछ बर्डन्स हो, बिकॉज लॉट ऑफ बर्डन यू बोथ आर कैरिंग, राइट? कुछ के लिए हो सकता है पास्ट बर्डन अभी भी कैरी कर रहे हैं, या हो सकता है कि पास्ट इश्यूज अभी भी कैरी कर रहे हैं आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, राइट? सो स्टिल स्टिल कोई यहाँ पे कैरी कर रहा है। सॉरी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप लोग बात नहीं करते हैं ठीक से, या आप खुल के बात नहीं करते हैं, या जो जो कहना चाहते हैं वो बात बिल्कुल नहीं होती आप लोगों के बीच में, राइट? लाइक मुद्दे वाली बात नहीं होती है, राइट? इधर उधर की सारी बातें होती हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की स्टोरी में चल रहा है। देन वी हैव या मे बी हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दैट इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग, एंड ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई चाहता तो है लेकिन नहीं हो पा रहा, इश्यूज़ आ रहे हैं बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप हैज़ टेंडेंसी, राइट? विद द फोर ऑफ वॉन्ट्स एंड विद द स्टार कार्ड, राइट? कुछ ना कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, लाइक दिस बी इज़ बॉदरिंग मी। तो हो सकता है कुछ ना कुछ बॉदर कर रहा है इस रिलेशनशिप में, ये भी एक ओमन हो सकता है, राइट? या इट्स अबाउट लाइक स्टिल होल्डिंग अ ग्लोब एंड स्टिल वॉन्डरिंग कि करना क्या है, जाना कहाँ है, करना क्या है, एंड और फिर उसके बाद आप बैठ जाते हैं, शैटर्ड हो जाते हैं, और आपके जो पर्सन है दे आर ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी मूव। मुझे लग रहा है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बिजी है, राइट? बट स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड कोई वेट कर रहा है यहाँ पे जस्टिस की, कोई वेट कर रहा है, हो सकता है कोई वेट कर रहा हो कि थिंग्स लाइक कुछ सॉर्ट आउट हो जाएं, या मे बी हो सकता है कि कोई जगल कर रहा है स्टिल, तो इस चीज़ का आप लोगों को मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है इस चीज़ का। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, होल्डिंग ऑन इमोशंस, स्ट्रेंथ इज़ ऑल अबाउट होल्डिंग इमोशंस, अपने अंदर रखना, राइट? और एक और बात मुझे नज़र आ रही है कि यस आप लोगों का मे भी हो सकता है कि आप
या आपके पार्टनर दोनों भी देखिए कुछ ये चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो सॉर्ट आउट होनी है, राइट। मे बी हो सकता है कि आई एम गेटिंग यिन एंड यांग, हो सकता है आप दोनों अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं या अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को आप बैलेंस कर रहे हैं। देखिए कुछ मुझे एक और भी चीज़ नज़र आ रही है, इट्स अबाउट कि मे बी इस स्टोरी में एक पर्सन बैलेंस है और एक पर्सन को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी मे बी हो सकता है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये लाइक आगे चल के फ्रूटफुल हो सकता है। तो इट्स अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट कि अपनी ही जो एनर्जीज है उनको बैलेंस करना। तो मे बी हो सकता है कोई पर्सन है यहाँ पे, कुछ है उनकी लाइफ में जो सॉर्ट आउट होना बाकी है, कुछ चीज़ें हैं कुछ बैलेंस लाना बाकी है, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हो, मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज हो, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स अबाउट होल्डिंग ऑन, कोई चीज़ें होल्ड कर रहा है, राइट। तो यही चीज़ मुझे अगस्त में दिखाई दे रही है, जगल कर रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हों, मतलब आप दोनों ही हो सकता है वर्कआउट इस चीज़ पे कर रहे हों। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि समथिंग वॉज बॉदरिंग, अ बी वॉज बॉदरिंग, तो ये एक ओमन है कि येस कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो स्टिल लाइक समथिंग इज बॉदरिंग, लेकिन आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, एंड मे बी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ द राइट पार्ट, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट। देखिए सबके लिए नहीं है, क्योंकि सब फिर मुझे मैसेज करते हैं कि ये मेरे ट्विन है, मेरे सोल में। ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब ही बेसिकली ये होता है लाइक आप लोगों की जर्नी होती है, आपको खुद ये जो पज़ल होती है वो सॉल्व करनी होती है, आपके अंदर जो जो कमियाँ हैं उनके अंदर है उनको पूरी करनी है, उनको अपने आप को बैलेंस करना है, आपको अपने आप को बैलेंस करना है। जब तक आप अपनी वो जो कंप्लीट नहीं कर लेते, जब बिल्कुल बैलेंस स्टेट में नहीं आ जाते, वो तब तक वो सफल नहीं हो सकती। तो यही होता है, राइट। सो इट्स अबाउट दैट थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की। करियर वाइज अगस्त 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपील कर रहे हैं हायर अथॉरिटी से, यू नीड ग्रोथ, आप चाहते हैं कि आपका काम बढ़े। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो यू वांट प्रमोशन, इंक्रीमेंट। लेकिन कुछ चीज़ है, मे बी समथिंग इज़ गोइंग ऑन एट वर्क प्लेस, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ चल रहा है जो आपको बुरी तरह से आपको लाइक तंग कर रही है, ठीक है, और आप ऐसा फील कर रहे हैं। जैसा कि मैंने व्हेन आई वाज शफलिंग कार्ड तो सेम यही कार्ड था, तो इट्स अबाउट बिट्रेयल टाइप, ठीक है। तो कुछ चीज़ है जो आपको वर्क प्लेस पे बॉदर कर सकती है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, राइट। लाइक आप अपील कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, यू आर रियली वर्किंग हार्ड, राइट। और अपनी ग्रोथ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, चिंता में हैं कि क्या करें। अगेन वी हैव जस्टिस कार्ड, कोई अपील कर रहा है, कोई यहाँ पे हायर अथॉरिटी से कोई प्रे कर रहा है, और कोई यू नो वेटिंग फॉर किसी को, लाइक कोई चाहता है कि उस पर्सन को न्याय मिले, चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे करियर है। तो इट्स अबाउट दैट, हो सकता है आप अपनी हायर अथॉरिटी से कुछ आप मतलब चाहते हो कि आपको वो लाइक इंक्रीमेंट आपका करें, आपको प्रमोट करें, लेकिन वो चीज़ें शायद लाइक ठीक है हो रही हैं, लेकिन बहुत स्लो पेस पे हो रही हैं, और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हैं इन द अगस्त मंथ क्रॉस रोड्स पे, राइट। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। या इट्स अबाउट लाइक यू वांट टू, आप चाहते हैं मनी सेव करना, आप चाहते हैं, लेकिन वो जो राइट टाइम है, आई डोंट नो वो कब आएगा, मे बी हो सकता है इन द फ्यूचर वो आए, या मे बी हो सकता है कि कुछ बैलेंस आए, लेकिन आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस पेन, राइट। आपको इस चीज़ के थ्रू निकलना पड़ेगा। मे बी हो सकता है कि यू नीड सम टाइम, हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाए, लेकिन इवेंचुअली आप आगे चल के धीरे धीरे उस प्लेस पे आ जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव, और यू विल बी एबल, आप अचीव करना चाहते हैं एक क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस जहाँ पे आपको कोई करियर या फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम ना हो,
राइट लाइक एक बैलेंस्ड उसमें आ जाए. तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कैंसर पीपल के लिए कि वर्क प्लेस पे लाइक आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ग्रोथ में अपनी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको बॉदर बहुत कर रही हैं. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट डेब्ट्स कि आपने बहुत ज़्यादा, किसी के लिए हो सकता है किसी ने लोन पे करना हो, डेब्ट्स हो, राइट, तो उस वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, राइट, एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कुछ चीज़ें आए. मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा विद द फोर ऑफ सोर्ड्स जैसे एक यू नो कोई टाइम ले रहा होता है, किसी ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन यू आर स्टिल लाइक रिकवरिंग, स्टिल इन अ रिकवरी फेज, मुझे ऐसा लग रहा है. पर कोई बात नहीं, आगे चल के मुझे लगता है धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा आपकी लाइफ में. सो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स पुल सम कार्ड्स. क्या मैसेज है फ्रॉम अवर एंजल्स आपके लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है. ओके, आपके लिए यही मैसेज है. फॉर ऑल यू पीपल अगेन वी हैव माइसर. माइसर का क्या मतलब आता है, डोंट बी जेलस, डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं आप बहुत ज़्यादा, चाहे आप लाइक मैटर्स ऑफ लव हो, चाहे मैटर ऑफ करियर हो, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा खिंचे खिंचे से रहते हैं और अपने आप को लाइक यू हैव टू बी जेनरस, राइट, थोड़ा सा आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है. देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स. तो देखिए अगर अगर कुछ है इन लव या इन योर करियर, मुझे ऐसा लगता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है. यू नीड सम हीलिंग फॉर ऑल यू पीपल. हो सकता है आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से आप मुझे लगता है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. इट्स अ टाइम फॉर ब्रेकिंग द बैरियर, राइट. तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो कि अगर आप अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने चक्रास पे काम करते हैं, सो मे बी हो सकता है कुछ के लिए. आई एम गेटिंग इट्स अबाउट हार्ट चक्रा या थ्रोट चक्रा, जैसा कि मैं पहले बोल रही थी. यू नीड टू ओपन दैट. बहुत मुझे लगता है, अगेन हियर वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स. पहले भी हमारे पास आया था फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन वी हैव फोर ऑफ मतलब हार्ट चक्रा. तो समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक मुट्ठी में बंद कर रखा है, राइट. सो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कि आप लोगों से अडाप्ट करें, तो उसको मुट्ठी को खोलना होगा, राइट. अब आप कहेंगे कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, हील कीजिए अपने आप को, राइट, हीलिंग कीजिए. और इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. बट फिलहाल के लिए मैं आपको यही बोल रही हूँ कि येस, अपना ये बैरियर तोड़िए, बाहर निकलिए, राइट. और कुछ ना कुछ लाइक मे बी हो सकता है यू नीड टू बी लाइक थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में पेस, आप अपनी लाइफ को पेस पे लाने की ज़रूरत है. एक बैरियर है जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है. अगर ये जो ब्लॉकेजेस हैं अगर आपके हट गए तो आप खुद समझ जाएंगे. एंड मुझे कई बार ये भी लगता है कि चाहे वर्क प्लेस पे हो या कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी तो ज़रूर है आपके राउंड. मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, या आपके कुछ पीपल हैं लाइक जो दे आर वियरिंग अ फॉल्स मास्क. तो उससे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत है. तो उसमें से बाहर निकल जाइए, अपने आप को हील कीजिए, बी इन दैट एनर्जी, राइट, ब्रेक दिस बैरियर और थिंग्स विल कम टू यू. जब आप ये बैरियर ब्रेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी. और यस, देख रहे हैं आप ब्रेकिंग द चेन्स, राइट. तो ये जो ब्लॉकेजेस की जो ये जो बेड़ियां हैं इनको आपको तोड़ना पड़ेगा. जो चेन्स हैं आपको नज़र नहीं आती हैं, ये इनविजिबल चेन्स हैं, ब्लॉकेजेस जो होते हैं, तो इनको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप इस सर्कल में से बाहर निकल पाएंगे और तभी आपके तरफ पॉसिबिलिटीज आएंगी जो आप वेट कर रहे हैं एक्चुअली में. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.